हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम चेंज करने लगे हैं गोल्डन फिंच के केज के जो अंदर जो दाना वगैरह रखता हूँ। पानी तो मैं डेली चेंज करता हूँ, लेकिन आज हम चेंज करेंगे इसका दाना और आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बगैर टाइम लगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये हमारा केज, अभी रूम बहुत गंदा हुआ है भाई, और इनको दाना चेंज करने का टाइम आ चुका है। जो आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है ये दरअसल दाना नहीं है, दाने का छिलका होता है। और पानी ये डेली बेसिस पे देता हूँ, लेकिन ये इतना गंदा कर देते हैं। तो पानी तो मैं डेली चेंज करता हूँ, दाना मैं हर 2 दिन बाद डालता हूँ। और माशाल्लाह से ये ज़्यादा है, कम से कम ये 12 हैं इसके अंदर माशाल्लाह से, तो जिस वजह से ये फीड जल्दी जल्दी ले लेते हैं। तो अब इसका निकाल के हम दाना निकालते हैं, उसको चेंज करते हैं। और साथ ही निकाल लेते हैं इसका जो पानी का ट्रे है, पानी के ट्रे भी बाहर निकालिए भाई। इस तरह ये इधर उधर उड़ती हैं तो डर लगता है कमरे में। हालांकि कमरा तो पूरा पैक है मेरा, लेकिन डर फिर भी लगता है कि भाई कहीं उड़ ना जाए। तो खैर अब मैंने निकालिए ये इसका पानी का और ये दाने का। पानी देखें यार किस तरह गंदा कर देती हैं, तभी मैं डेली चेंज करता हूँ ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये पानी हम चेंज कर लेते हैं। मैं फ़िलहाल इनको टैप वाटर ही देता हूँ, ऐसा कोई ख़ास स्पेशल पानी नहीं है इनके लिए। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद इसको अच्छी तरह धो लेता हूँ, मैं हाथ साफ भी कर लेता हूँ क्योंकि कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ इसके अंदर ना आ जाए। इस तरह करके पूरा साफ़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो पानी हमने कर लिया चेंज, पानी साफ़ सुथरा हो चुका है इनका। अब इसके अंदर पानी के अंदर मैं कुछ चीज़ सप्लीमेंट ऐड करता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है गोल्डन के लिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कौन से सप्लीमेंट इसमें डालता हूँ। तो ये सब है भाई मेरे गोल्डियन के सप्लीमेंट जो कि लूज़ में मेरे पास हैं। हालांकि सारे ब्रांडेड हैं, वीटा फार्म के। लेकिन ये जिसका मैंने नंबर दिया था, आपको नीचे नंबर शेयर कर दूंगा मुस्तफ़ा भाई का, जिनसे मैं सप्लीमेंट्स वगैरह लेता रहता हूं, तो आप लोग ले सकते हैं। तो खैर अब हम इसमें डालेंगे स्पार्क, ठीक है। स्पार्क जो होता है ये हमारे बर्ड को बहुत रिफ़्रेश रखता है। तो मैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रॉप मैंने इसमें डाल लिए हैं। 8 ड्रॉप डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह हिला लूँगा। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप गोल्डियन रख रहे हैं अपने पास तो इस तरह की सप्लीमेंट्स आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बर्ड जो है काफ़ी अपनी केयर मांगता है। तो इसका भाई पानी तो हो गया रेडी, और नीचे देखें सारे समझ लेंगे भाई खाना वाना आ चुका है। तो ये नीचे आके बैठे हैं, इनको भी पता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल इधर रखते हैं। तो दाने को मैं इस तरह कर लेता हूँ साफ़, वीडियो में आपको दिख रहा होगा ही। मैं इसको हवा दे के इसके अंदर जितना छिलका वगैरह होता है सारा निकाल लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा दाना हम और ऐड करेंगे। दाना मैं रखता हूँ अपना इसके अंदर, और इसके अंदर हम 1 स्कूप खाना इनका दाना ले लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो भाई ये इनका एक मील तैयार हो गई। दरअसल दाना जो है ना यार 2 से 3 दिन चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वो इसलिए आ जाती है कि यार ये थोड़ा गंदगी ज़्यादा करती हैं, डर्ट ज़्यादा कर देती हैं, तो इस वजह से मैं चेंज करता हूँ। अभी भी इतनी नीड नहीं थी, लेकिन ये कि मैं रूटीन है मेरा, तो उस रूटीन के हिसाब से मैं चेंज कर रहा हूँ। बाकी इनका दाना और इनका पानी रेडी हो गया। और अब एक काम कर लेते हैं भाई, अंदर का जो चीज़ है ना ये, इसको थोड़ा मैं साइड में करके रख लेता हूँ। ये जो इन्होंने अंदर डिस्टर्ब कर दिया, इसके अंदर मैं रखता हूँ कैल्शियम। तो भाई ये तो बहुत रोने लग गए। तो ये इस तरह क्या करते हैं, ये मैंने इसमें रख दिया 1 पॉट इसका, बाकी इनका पानी इसमें रख देते हैं। ये बहुत एहतियात से करना पड़ता है कि जब अगर आपका ऐसा हो ना तो आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो भाई पानी तो हमने रख दिया, अब हम दाना भी रख देते हैं ताकि हमारी गोल्डियन दाना लेना शुरू कर दें। और इसको कर देते हैं लॉक, ये कर दिया मैंने इसको लॉक। ये एक सेफ्टी रहती है यार, क्योंकि ये पिंजरा जो है ना ये इस पर्पस का नहीं है, लेकिन मैं इसको पर्पस पे यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा जा रहा है। तो भाई हमने दे दिया दाना गोल्डियन को, पानी के अंदर स्पार्क भी ऐड कर दिया, इनका वाटर चेंज कर दिया। तो अब थोड़ी देर में ये आके दाना लेना शुरू कर देंगी। और हमारी गोल्डियन अभी थोड़ा सा इधर से उधर देख रही हैं। अभी जैसे ही थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगी ये नीचे आके बैठ के दाना खाना स्टार्ट कर देंगी। और बाकी देखें यार माशाल्लाह से कितने प्यारे कलर होते जा रहे हैं यार। इसमें ना फोकस का बड़ा मसला होता है मोबाइल के अंदर, केज के अंदर सॉरी। टैंक जो होता है, टैंक पे तो आप अच्छी तरह उसको क्या कहते हैं फोकस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन आप देखें माशाल्लाह इनके कलर कितने खूबसूरत हो गए। और इसमें एक है जिसका कलर भी रेड हो चुका है माशाल्लाह से, फेस रेड हो चुका है ये आला। और इनको फीडिंग फ़िलहाल तो मैं जो दे रहा हूँ ना इनको मिक्स सीड ही देता हूँ। बाकी सॉफ्ट फूड अभी मैं नहीं दे रहा क्योंकि बहुत गर्मी है और मैं अपने तौर पे लेके चल रहा हूँ यार। सॉफ्ट फूड थोड़ा गर्म होता है और ये चेक्स हैं। अभी जब ये ब्रीडिंग के टाइम इनका करीब आ जाएगा, जैसे कि ब्रीडिंग एज में आ जाएंगे, तब मैं इनका सॉफ्ट फूड भी स्टार्ट कर दूंगा। और सॉफ्ट फूड तब वैसे भी तब जब प्रिपरेशन होगी ना इनकी, जब ब्रीडिंग की मैं इनको तैयार कर रहूँगा कि ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रहूँगी, तो मैं 1 से 2 महीना लूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि जैसे एडल्ट हुए फॉरन ब्रीडिंग के लिए लगा दिया। मैं इनकी पहले खिदमत करूँगा, इनको अच्छा अच्छा फूड खिलाऊंगा, डेली सॉफ्ट फूड कर दूंगा, इनका अच्छा सा सॉफ्ट फूड कर दूंगा। उसके बाद जाके मैं इनको ब्रीडिंग के लिए लगाऊंगा। और यार ये मेरा ना बहुत शुरू से ख्वाब था एक गोल्डियन रखना, और माशाल्लाह से मैं जो कि अभी तक बहुत अच्छा जा रहा हूँ। मुझे इनको कीप करते हुए 1 से 2 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका होगा, मतलब 45 डेज़ इसको आप कह लें, तो 45 डेज़ मुझे हो चुके हैं इनको रखे हुए। और माशाल्लाह से अभी तक ये बहुत अच्छे जा रहे हैं, हेल्दी है माशाल्लाह से, मोल्टिंग भी कर रहे हैं, कलर्स भी अपने काफ़ी अच्छे निकाल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। बाकी अब ये इंतज़ार करते हैं कि दाने का इनको जो भी है, दाना लेने आते नहीं आते, तो अभी देखते हैं। और इनका दाना ये लेने आते ही नहीं आते, वैसे आएंगे थोड़ी देर में। ये एक आगे बैठता है, फिर 2 बैठते हैं 3 बैठते हैं, इस तरह करके सारे बैठ के ये अपना मील इंजॉय करने लग जाते हैं। तो ये लुटीनो आके बैठी है और ये ऐसा ऐसा करके नीचे आएगी, ये इसी तरह की हरकतें करते हैं, एक एक करके आते हैं। और ये 2 लुटीनो आ चुके हैं, अब ये दाने के पास आएंगे और दाने के पास आके बैठेंगे और दाना खाना शुरू कर देंगे। देखें माशाल्लाह से आके बैठ गए, इनको पता लग चुका है भाई इनका दाना चेंज हो चुका है और पानी भी चेंज हो चुका है, तो पानी भी पी रहे हैं, जो कि पानी बहुत अच्छा है इनके लिए स्पार्क। क्योंकि स्पार्क करता क्या है, आपकी बर्ड की सारी गर्मी, जितनी गर्मी होती है बर्ड की, वो सारी बर्ड को ठंडा रखता है और रिफ़्रेश रखता है, बिल्कुल एक्टिव रखता है। तो माशाल्लाह से हमारे सारे बर्ड आके बैठ गए हैं भाई, दाना खा रहे हैं। और इनको जब दाना खाते हुए देखता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं करीब से आप लोग को शॉर्ट सिखाता हूँ। तो माशाल्लाह सारे बर्ड दाना ले रहे हैं और दाना खा रहे हैं, मतलब ये ले रहे हैं। तो यार ये मार्केट के अंदर ये लोग बातें करते हैं ना, बर्ड दाना हमारा, एक तो बर्ड को पीस बोलते हैं, और मुझे ये थोड़ा फ़नी लगता है कि 1 दाना 2 दाना, मतलब यार बर्ड है वो और फीड ले रहा है, ये ले रहा है, इस तरह के डायलॉग होते हैं। चलो ये इनका कोई कोड होते होंगे, इनकी बातें होती होंगी। बाकी ये कि माशाल्लाह से सारे फीड ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की अपडेट अच्छी लगी होगी, हमने इनको दाना वाना दिया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हाफ़िज़।